क्या मांग है आप लोग की और इस मांग को लेकर क्या जेपीएससी घेराव करने हैं? देखिए, हमारी सबसे पहली मांग है कि 28 तारीख से आगामी जेपीएससी मुख्य परीक्षा होने वाली है। सबसे पहले ये जो जेपीएससी मुख्य परीक्षा 28 तारीख से होने वाली है उसे स्थगित करें, क्योंकि पिछले साल जिस मामला को लेकर कैबिनेट में लाकर इसे स्थगित किया गया था कि आरक्षण नीति का प्रारंभिक परीक्षा में पालन नहीं किया गया है, 15 गुना से अधिक रिजल्ट जारी किया गया है, तो जिस 15 गुना से अधिक और अभी 106 गुना जारी कर दिया गया है, तो जिस मांग को लेकर पिछले साल 24 जनवरी को कार्मिक विभाग एक पत्रांक जारी करके जेपीएससी को दिए थे और परीक्षा रद्द किए थे, तो उस मांग को आज भी पूरा नहीं किया गया है, तो फिर से कैसे यहाँ पर परीक्षा किया जा सकता है। दूसरी बात, अमर बावरी द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया था सरकार द्वारा, उस कमेटी में स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि 4th जेपीएससी तक आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा था, लेकिन 5th और 6th जेपीएससी में आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है और जो भी पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई करने का बात किया गया था, लेकिन आज तक जो सिफारिश की गई है उस पर सरकार काम नहीं किए हैं। साथ में सरकार मामला को उलझाने के लिए क्या किए हैं कि जहां पर 6000 अभ्यर्थी लोग पिछले बार परीक्षा दे रहे थे, आज क्या है कि 106 गुना रिजल्ट प्रकाशित करके यहां पर सरकार खिलवाड़ कर रहे हैं हम जैसे छात्रों के साथ। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी न्यायालय में एक फैसला आया है, 2014 में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विज्ञापन, एक बार कोई भी परीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो बीच में उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, तो विज्ञापन का 12वां पॉइंट में स्पष्ट लिखा गया है कि 15 गुना ही अभ्यर्थी को उम्मीदवार